हस भाई आप भी दियो और कौन है लीडर का हमारे गली के। अरे बाबू एक शहर लेके आए जो बैठे आप बैठे आप बैठिए साहब आप बैठिए मैं बैठा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है और ये फ्री मेडिकल कैंप अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी हलके हैदराबाद के हुकुम पर और जो है ना हमारे एमएलए अलहाज अहमद पाशा खादरी साहब और कारपोरेटर मीर वाजिद अली खान साहब और यास्किर अरफात साहब इन तमाम लोगों के तआवुन से यहाँ पर जो है ना फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है जिसमें महल्ले के इब्तदाई के सदर मुतमदीन और सरगर मजलिसी कारकुन भी हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोगों के तआवुन से आज एक सक्सेसफुल एक कामयाब फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद यहाँ पर अमल में लाया है। बरकातुहु। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउद्दीन मतीन इमामबाड़ा याकूतपुरा आज यहाँ पर रेनबो फाउंडेशन और अमान वेदिका और फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये तीनों के कोऑर्डिनेशन से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है जिसकी निगरानी मीर सिराजुद्दीन अली साहब कर रहे हैं और अभी कारपोरेटर मीर वाजिद अली खान साहब भी आके इसका इफ्तिताह करके गए हैं इस कैंप का। इसमें कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन सर्दी बुखार खांसी और एलर्जी की दवाएँ और ट्यूब्स पेन किलर्स और फीवर की दवाएँ तकरीबन जो है ना फ्री दी जा रही हैं और इससे काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और ये इमामबाड़ा आशुर खाना प्लेग्राउंड पर ये कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। ये कितने लोग को दे रहे हैं सब आप लोग? तकरीबन 500 लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट है। इंशाल्लाह ताला तकरीबन 500 लोग इसे इस्तेफादा हासिल करेंगे। अभी एरिया में कहाँ कहाँ डाला ये कैंप? जी वो सिराज भाई बताएँगे आपको कि ये कहाँ कहाँ हमारे इमामबाड़े में तो अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कैंप और दूसरे मुकाम पर भी इस फाउंडेशन की जानिब से बहुत सारे जो है ना मुख्तलिफ मुकाम पर ये कैंप्स का मुसलसिल समझे जब से जो है ना ये बारिश का वो हुआ है सैलाब का उस वक्त से जो है ना ये फाउंडेशन बराबर जो है ना मुख्तलिफ मुकामात पर मुतहरिक है और काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर क्योंकि इमामबाड़े में भी बहुत सारे घर जो है ना यहाँ मुतासिर हुए थे बारिश के पानी की वजह से तो उस वजह से यहाँ पर ये फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मेरा नाम मीर सिराजुद्दीन अली है। फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ फाउंडर और ये जो प्रोग्राम मेडिकल कैंप रखा गया है ये जो है रेनबो फाउंडेशन इंडिया और अमर वेदिका के तरफ से रखा गया और इसको मैं जो है इनकी सपोर्ट में फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट से मैं इसकी देर निगरानी में काम कर रहा हूँ और मैं इस एरिया का जो है टीम लीडर हूँ यहाँ पर काम। और यहाँ पर जो पहले हमारा असल मकसद जो था यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो कोविड-19 के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो कोविड-19 पे हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर जो कोरोना के जो भी पेशेंट्स थे हम उनको जो भी यानी यूपीएससी जो आपके पास है याकूतपुरा नंबर 1 और याकूतपुरा नंबर 2 से जो भी रिपोर्ट्स आते थे कोरोना के तो हम वो पेशेंट को हम घर पर जाके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं और समझा कर क्या करते हैं उनको फ्री किट्स राशन किट्स और जो है आपके न्यूट्रिशन वगैरह हम उनको देते हैं तो यही काम हमारा चल रहा था। साथ में अब हाल में जो फ्लड आया उसकी वजह से जो तबाही मची है हर जगह तो हम ये चार जगह काम कर रहे हैं इमामबाड़ा है और आपके गंगानगर है और आपके ये हसीब नगर में और जो है मुस्तफ़ा नगर में ये चार जगह हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जाकर जो है ब्लैंकेट्स और जो है राशन वगैरह और जो है जो भी जो उनके ज़रूरियात के जो चीज़ है जो उनके घर में जो तबाह हुए बारिश के तो हम उनको दिए हैं।
साथ ही साथ में हम अब ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है एक मेडिकल कैंप डाले हैं इमामबाड़े में, और एक जो है गोलकुंडा में भी है, भोलकपुर में भी है, और फिर सीताफल मंडी में। यहाँ ये चारों जगह हमारे मेडिकल कैंप चल रहे हैं, हर मुकाम पे एक एक जगह। अब इंशाल्लाह ताला जैसा यहाँ पे इमामबाड़े में डाले, अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला हो सकता है फिर हम लोग गंगानगर वगैरह में भी हम ये कैंप डालते रहेंगे हर जगह। तो ये हमारा एक मिशन है हमारा जो चला रहे हैं हम। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वाजिद साहब जो कॉरपोरेटर है वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनकी मदद से जो है हम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हम काम कर रहे हैं, और आपकी बहुत सपोर्ट है। साथ में हमारे गौस साहब भी है, ये भी MIM के लीडर है जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये भी आप हमारे साथ बहुत ही काम देते हैं। और साथ में जो है MIM के हमारे डॉक्टर समी मतीन साहब भी हमारे लिए साथ देते हैं, और आधी रात को जब भी हम इनसे आप बात करते हैं तो आधी रात के हमारे साथ आ जाते हैं काम के लिए। और इस एरिया में जितना भी वो हुआ है आप हमारे साथ बोलते हैं, आप और हमारे गौस साहब। तो देखिए ये हमारा मिशन चल रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारी कहाँ तक ये कामयाबी जाती है अल्लाह है। हाँ यहाँ पर जो है अब ये जो पेशेंट यहाँ देखे जा रहे हैं, जो आजकल के हिसाब जो बारिश की वजह से जो तबाही हुई है, जो आज एक नई बीमारी जो शुरू हुई है मक्कस बोल के, वो भी पेशेंट है। इसके साथ ही साथ में शुगर्स है, एलर्जिक जो हो रही है, और खांसी बुखार जुकाम वगैरह इसके सब के जो है पेशेंटों को यहाँ देखा जा रहा है, और उनको फ्री दवाएँ दी जा रही है इस कैंप में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कैंप हमारा इरादा है कि गंगानगर और अशरफ नगर वगैरह में हम वो करने का इरादा है इंशाल्लाह। हाँ वो तो अब सुबह से करेंगे, क्योंकि आज जुम्मा होने की वजह से हम जो है इसको 3 बजे से यानी 4 बजे का टाइम वो करें, वरना नहीं तो हम सुबह 10 बजे से लेके ये शाम तक चलाते हैं 5 बजे तक। पूरे टैबलेट दिया जा रहे हैं, जो उनके ज़्यादा शुगर के टैबलेट दिए जा रहे हैं, एलर्जिक वगैरह के है, जो मगज के जो एक जो बीमारी जो आजकल नई शुरू है उसके टैबलेट दिए जा रहे हैं, और जैसा जुकाम है खांसी है उसके भी टैबलेट दिए जा रहे हैं।